खाली पड़ी सरकारी भूमि पर दुकान खोलने और कब्जे को लेकर रांची के चुंगी में दो पक्षों के बीच पहले तो जमकर विवाद हुआ और उसके बाद एक पक्ष के आरोपी ने गोली चला दी। गोली चलने से भगदड़ के दौरान कुछ लोग गिरकर घायल भी हुए थे। वहीं पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण कायम कर लिया है, क्योंकि एक पक्ष ने मारपीट करने की शिकायत दर्ज की तो दूसरे पक्ष ने गोली चलाने का आरोप लगाया। बचे आरोपितों की सरगर्मी से तलाश भी शुरू कर दी गई है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने मौके पर जाकर पूरा घटनाक्रम जाना था और मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि गोली लाइसेंसिंग बंदूक से चलाई गई थी, जिसका खोखा भी बरामद कर लिया गया है। ये कल चुंगी नाका में झगड़ा हुआ दो पक्षों के बीच में, जिसमें रहीश खान ने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 625/20 धारा 294 147 148 327 149 506 IPC का अपराध है। 6-7 आरोपियों के विरुद्ध मामला कायम हुआ है और इसी के विरुद्ध रहीश खान के विरुद्ध पार्टी शोभित यादव की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 626 धारा 294 336 506 34 ये 4 आरोपियों के खिलाफ मामला कायम हुआ है, जिसमें आरोपी रहीश खान, जीशान मुन्ना उर्फ इस्माइल खान और यूसुफ खान है। ये चीपे को उठाने पर से इनका विवाद हो गया है। दोनों पक्षों की गिरफ्तारी हो गई है, न्यायालय पेश होना है। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है क्या पहले से? जिन जिन के आपराधिक रिकॉर्ड हैं उनके निकाले जा रहे हैं और मामले की डायरी में संलग्न किए जाएंगे। आपका शुभ नाम? मैं उपनिरीक्षक RD रघुवंशी, थाना रांची।